रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद रही भाजपा नेता जयाप्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा के खिलाफ रामपुर के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन आपराधिक मामले और उस पर जारी गैर जमानती वारंट सहित सभी आदेशों को रद्द कर दिया है। बता दें कि रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान थाना स्वार और कैमरी में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये राहत मिली है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने जयाप्रदा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे दर्ज हुए थे, जिस पर पुलिस ने बिना बयान दर्ज किए हुए इन मामलों में जयाप्रदा के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। विवेचना में उपरोक्त मुकदमों में आचार संहिता का उल्लंघन होना नहीं पाया गया, लेकिन अदालत द्वारा मामला संज्ञान में लेने के कारण जयाप्रदा के खिलाफ दोनों मामलों में रामपुर स्पेशल जज की ओर से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। जयाप्रदा ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इन मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भाजपा नेता को राहत दी। रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी रही एवं पूर्व सांसद माननीय जयाप्रदा जी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में थाना स्वार और थाना कैमरी में NCR दर्ज हुई थी, जिस पर माननीय रामपुर न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे, जिस पर माननीय जयप्रदा जी की ओर से मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गया और वहां पर मैंने उनकी ओर से याचिका दायर की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपना निर्णय दिया गया है, जिसमें उन्होंने जितने भी गैर जमानती वारंट और अन्य वारंट जयप्रदा जी के खिलाफ जारी हुए थे उनको निरस्त कर दिया गया है और मामले को स्टेट केस के रूप में न चलाते हुए परिवाद के रूप में चलाया जाएगा। बता दें कि रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान थाना कैमरी के ग्राम पिपलिया मिश्र में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ 20 अप्रैल 2019 को केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा थाना स्वार के ग्राम नूरपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान 22 अप्रैल 2019 को सड़क का उद्घाटन करने के मामले में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिनको अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।